नमस्कार दोस्तों, ये तो आप और हम जानते ही हैं कि पाकिस्तान इस समय आर्थिक रूप से लगभग बर्बाद हो चुका है। कोई उसको नया कर्ज देने को तैयार नहीं है और अब तो ये भी चर्चाएं चल निकली हैं कि वो टूटने के कगार पर पहुंच चुका है। कई लोग हैं जो कहते हैं कि इसके 3-4 टुकड़े हो जाएंगे, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, जो खैबर पख्तून हुआ है उस पर TTP और जो पख्तून हैं वो कब्जा कर सकते हैं, इसके अलावा सिंध में हालात बुरे हैं, सिंध में एक अलग तरह की लड़ाई चल रही है, बचाव जो पाकिस्तान का मेन इलाका माना जाता है पंजाब, पाक पंजाब, तो वहाँ पर भी कई तरह की लड़ाइयाँ अंदरूनी तौर पर ही चल रही हैं, और POK, गिलगित और बाल्टिस्तान, वहाँ तो ऑलरेडी आवाज़ें उठनी शुरू हो चुकी हैं कि हम अब पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं चाहते हैं। वहाँ तो धरने, प्रदर्शन और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज़ें उठ रही हैं। डॉक्टर अमजद अय्यूब मिर्जा, उनके नेतृत्व में उनकी जो पार्टी है, उनका जो संगठन है, उनके जो सहयोगी हैं जो बाहर भी हैं और वहाँ मुजफ्फराबाद से लेकर के मीरपुर और तमाम इलाकों में हैं, POJK जिसको बोलते हैं, और जो आपका गिलगित और बाल्टिस्तान है, उनके जो सपोर्टर हैं उनकी संख्या वहाँ लाखों में है, तो वहाँ से आवाज़ें उठनी शुरू हो चुकी हैं कि पाकिस्तानी सेना हमारा अब पिंड छोड़े, वो यहाँ से बाहर निकले। हमें दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहली बात यह है कि पाकिस्तान टूटने के कगार पर है, बिखर रहा है, आर्थिक रूप से दिवालिया होने के बिल्कुल उस किनारे पर पहुंच चुका है जहां से बस ज़रा सा धक्का लगेगा और वो धड़ाम से नीचे पड़ेगा। कोई नया कर्ज मिल नहीं रहा है, तो कोई भी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनको भी आयात करने लायक उसके पास डॉलर नहीं बचे हैं, विदेशी मुद्रा नहीं बची है। ऐसे में पाकिस्तान कुछ साजिशें रच रहा है और सीमा पार से जो साजिशें रची जा रही हैं वो ये रची जा रही हैं कि अगर हम बर्बाद भी होते हैं, यानी जो पाकिस्तान 1947 में अलग हुआ था भारत से, वो अगर बर्बाद हो भी जाता है तो भारत के रास्ते में भी कुछ ऐसे कांटे बो दिए जाएं। 80 के दशक की वो सारी घटनाएं हमें और आपको याद हैं, जब बाद में भिंडरांवाले और उनके साथियों को उनका उन्मूलन करने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा था, और हालांकि बाद में इंदिरा गांधी को भी इन लोगों ने मार डाला, उन तत्वों ने मार डाला, और ये सब जो घटनाएं हैं वो फिर से भारत के लिए सिरदर्दी पैदा हों, इसके लिए पाकिस्तान की ISI, वहाँ की सेना, कुछ दूसरी ताकतें, वो लगातार प्रयासरत हैं, और पंजाब में नए सिरे से खालिस्तान का जो वातावरण है, जो एक उनकी साजिश रही है, उसको सिरे चढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन भारत भी पाकिस्तान को उसकी साजिशों के अंदाज में ही जवाब देने की पूरी तैयारी कर रहा है, ऐसे संकेत भी हमें मिल रहे हैं। और पिछले दिनों मैंने अभी डॉक्टर अमजद अय्यूब मिर्जा से डिटेल बातचीत की थी, पाकिस्तान के हालातों पर भी की थी, इसके अलावा जो उनकी पार्टी ने, उनके संगठन ने जो कॉल दे रखी है कि 22 अक्टूबर तक जो पाकिस्तान की सेना है वो गिलगित, बाल्टिस्तान और POJK ये तीनों जगह खाली कर दे। इसके बाद इन्होंने ये कह रखा है कि हम अपनी समानांतर सरकार बनाएंगे 22 अक्टूबर तक। 22 अक्टूबर तक अगर सेना वो इलाका खाली नहीं करती है जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, तो फिर हम डायरेक्ट एक्शन करेंगे।
और उनका ये भी कहना था कि हमने 100 दिन का ऑलरेडी ब्लूप्रिंट तैयार किया हुआ है। ये जो 100 दिन है ये ट्रांजिशन पीरियड मान करके हम चल रहे हैं। हम भारत सरकार से भी उस समय बात करेंगे और भारत के संविधान को वहाँ लागू करेंगे। तिरंगा हर अहम बिल्डिंग पर फहराएंगे। और मैंने उनसे पूछा था कि आपको तो रॉ का एजेंट कहा जाता है पाकिस्तान में, कि आप भारत के इशारों पर काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें इसमें भी कहीं कोई गुरेज नहीं है, अगर कोई ऐसा कहता है तो वो कहे। लेकिन जब मैंने पूछा कि आप इतनी बड़ी प्लान करके चल रहे हैं, क्या भारत सरकार से या भारत की किसी एजेंसी के आप संपर्क में हैं, कोई बातचीत चल रही है आपकी प्लानिंग को लेकर के? उन्होंने कहा कि कम से कम इस समय तो नहीं चल रही है। उनसे जो खास तौर से पीओजे के पर मैंने बात की थी इंटरव्यू के दूसरे हिस्से में, वो हिस्सा मैं आपको इस वीडियो के साथ क्लब करके सुनवा भी देता हूं, ताकि आपको पता लगे कि उन्होंने क्या क्या कहा था। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि एक ब्लूप्रिंट हमारे दिमाग में है, 22 अक्टूबर 2023 से हम इसको लागू कर देंगे। पाकिस्तानी सेना को ये तीनों इलाके खाली करने पड़ेंगे। हम हर हालत में इनका भारत में विलय करेंगे, जैसा कि हरी सिंह चाहते थे या उनके पिता चाहते थे कि वो भारत के साथ ही रहें। इस पूरे इलाके पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा किया हुआ है। वो ये भी कहते हैं कि भारत का जो जम्मू कश्मीर है, इसमें तमाम तरह की विकास योजनाएं चल रही हैं, यहाँ खुशहाली है, लोगों को रोजगार भी दिए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ तो बहुत बुरा हाल है। दूसरे वो ये भी कहते थे, उन्होंने ये भी कहा था मुझसे इंटरव्यू में, कि हम पाकिस्तानी हैं ही नहीं, हम इंडियन हैं, हम पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। तो 8 महीने हैं जब वो ये कहते हैं कि हम लोगों को वहाँ समझा चुके हैं, गिलगिट में भी, बाल्टिस्तान में, पीओजेके में भी, कि मजहब के नाम पर कोई कौम नहीं बनती है, कोई देश नहीं बनता है। अगर ऐसा होता तो बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से अलग ना हुआ होता। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, एक तरफ डॉक्टर अमजदेयू मिर्जा का वो इंटरव्यू है जो उन्होंने मुझे दिया, दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो ये साजिशें हैं कि खालिस्तान की जो अग्नि है उसको फिर भड़काया जाए, और तीसरे भारत सरकार की जो प्लानिंग्स हैं, हालांकि वो कोई खुले तौर पर इस तरह की प्लानिंग कभी भी किसी के साथ साझा नहीं करेगी, अगर कोई प्लानिंग है भी तो, लेकिन लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, ये जानना चाहते हैं कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गिलगिट, बाल्टिस्तान और पीओजेके भारत का हिस्सा हो जाएंगे, या 2024 का इलेक्शन जीतने के बाद और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ वैसा ही चौंकाने वाला अचानक फैसला करेंगे जैसा 5 अगस्त 2019 को, यानी दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के केवल 2-2.5 महीने के भीतर ही जम्मू कश्मीर से 370-35 से हटा दिया था। तो ये देखना होगा, लेकिन आइए सुनते हैं क्या कहा था मुझसे डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा ने। और डॉक्टर साहब, जो 22 अक्टूबर का आपने टाइम मुकर्रर किया हुआ है, तय किया हुआ है, तब तक अगर पाकिस्तानी सेना पीओजेके गिलगिट बाल्टिस्तान नहीं छोड़ती है तो इंग्लिश में कहते हैं वी विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट, फिर उस वक्त देखी जाएगी, उस वक्त फिर देखी जाएगी। लेकिन हमने एक हमारे हेडक्वार्टर से जो है वो आज लंदन में स्टेटमेंट जारी हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि 22 अक्टूबर से आगे एक दिन की भी डेडलाइन नहीं दी जाएगी पाकिस्तान आर्मी को, और जितने गवर्नमेंट सर्वेंट हैं जो नॉन रेजिडेंट हैं, यानी जम्मू कश्मीर के रहने वाले नहीं हैं, पंजाब से हैं या खैबर पख्तूनख्वा से हैं, वो 22 अक्टूबर तक अपनी या तो ट्रांसफर करवा लें या यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि दे विल बिकम इक्वली दे विल बी टारगेटेड एज पाकिस्तान आर्मी।
इसी तरह हमने जो गवर्नमेंट एम्प्लाईज हैं पीओजेके के, उनको भी कह दिया है आज कि आप लोग जो है 22 अक्टूबर तक आप इन इस सिटिंग गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल कोऑपरेट ना करें, और 22 अक्टूबर के बाद आप जो हमारी पैरेलल गवर्नमेंट बनेगी, जो हम अभी उस पर काम हो रहा है, जब वो बनेगी तो आप हमारे अहकाम पे काम करें, जो नहीं करेगा उसका ट्रायल होगा। हमने तो पूरा वादे आज हमारे हेडक्वार्टर से स्टेटमेंट जारी हो गया इस बारे में। तो हम बड़े संजीदा है इस मसले पे। इस वक्त हम दो काम कर रहे हैं, एक तो हम अपना जो पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्मेशन है उसका जो तैयारी कर रहे हैं और किस तरह उसको हमने फंक्शनल बनाना है। दूसरा, हम पीओजेके टेक ओवर करने के बाद पहले 100 दिन हमने क्या करना है उसका पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं, प्लान तैयार कर रहे हैं कि पहले दिन ये करना है, पहले 5 दिन में ये, 10 दिन में ये, इस तरह से फिर 100 दिन में ये। तो वो हम सारा कर रहे हैं और हमारा ख्याल है कि हमें 100 दिन लगेंगे जो है वो फुली इंटीग्रेट होने में यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ। 100 दिन का हमारा एक ट्रांजिशन पीरियड होगा जिसमें हमारी ट्रांजिशन गवर्नमेंट होगी, दैट विल लुक इनटू द अफेयर्स ऑफ दीज ऑक्यूपाइड टेरिटरीज, एंटर इनटू नेगोशिएशंस विद इंडियन गवर्नमेंट एंड सी हाउ दिस ट्रांजिशन कैन बी फैसिलिटेटेड स्मूथली। और पहले दिन हमने ये ऐलान किया बकायदा कि पहले दिन हम जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नाफज करेंगे, हर सरकारी दफ्तर के ऊपर इंडिया का तिरंगा लहराएंगे। मतलब ये चीजें हम कर रहे हैं साथ साथ, तो वी आर वेरी सीरियस अबाउट इट एंड वी नो दैट द पाकिस्तान आर्मी इज इन नो पोजिशन टू रिफ्यूज अवर ऑफर, एंड इफ दे डू दैट, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान आर्मी को अपने सिपाहियों की कोई कदर नहीं, उनकी जानों की कोई कदर नहीं, इसका सिर्फ ये मतलब निकलता है। जी पाकिस्तान में आपके ऊपर ये आरोप लगता रहा कि आप तो रो के एजेंट हैं, आप तो जी फला जी जी के बिल्कुल एजेंट हैं और भारत के इशारे पर काम करते हैं। जी क्या जो आपने रोड मैप अभी बताया है, ब्लूप्रिंट बताया है, किसी भी तरह की, किसी भी स्तर पर आपकी कोई चर्चा भारत सरकार से हो रही है क्या? इस स्टेज पे तो नहीं हो रही हमारी कोई भी चर्चा। और जहां तक रॉ का एजेंट होने का ताल्लुक है, तो भाई बात यह है कि अगर हम अपने आप को इंडियन कहते हैं और अगर रॉ मुझे समझती है कि ये हमारा बंदा है, तो फिर मुझे और क्या चाहिए? पक्की नौकरी है? हाँ, पीओजे के आजाद करा के रॉ में जॉब करेंगे, मुझे इससे क्या है? जब एक पाकिस्तानी जो है वो आईएसआई पे फख्र करता है, वो कहता है कि मैं आईएसआई जो है हमारी जबरदस्त एजेंसी है, और अगर आप उसको कहें तू आईएसआई का एजेंट है तो वो फख्र करता है। जब किसी इसराइली को आप कहते हैं कि तू मोसाद का एजेंट है, तो वो फख्र करता है कि मेरे वतन की, मेरे देश की रक्षा करने वाली एजेंसी है। तो मुझे मुझे क्यों इस बात से आग लगेगी कि कोई मुझे कहे तू रॉ का एजेंट है, तू इंडिया का एजेंट है? मैं किसी के इशारे पे नहीं चलता, मैं मुशावरत से चलता हूं। मेरी पार्टी का नाम है तहरीक इत्तफाक राय, मूवमेंट फॉर कंसेंसस। हम किसी के ऊपर कोई चीज थोप नहीं रहे ना लागू कर रहे हैं। हमने किसी पार्टी को नहीं कहा कि आप अपनी पार्टी खत्म करके जम हो जाएं। हमने कहा आप अपनी पार्टी रखें, भले रखें, लेकिन आप इस एक पॉइंट एजेंडे के ऊपर हमारे साथ यूनाइटेड फ्रंट बनाएं, सब मिलके इस पाकिस्तान की गुलामी से आजादी हासिल करें। और 26 अक्टूबर 1947 का जो हमारा महाराजा हरि सिंह के साथ जो मुआयदा हुआ है, उस मुआयदे की पासदारी करें, वरना महाराजा गुलाब सिंह से लेकर महाराजा हरि सिंह तक किसी भी महाराजा का नाम लेने का आपको हक नहीं पहुंचता, कोई हक नहीं पहुंचता आपको, और जम्मू कश्मीर का बासी होने का भी हक नहीं पहुंचता, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर की रियासत महाराजा गुलाब सिंह ने 16 मार्च 1846 को बनाई थी। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जब उसी की औलादों ने हिंदुस्तान के साथ मुआहदा इलहाक किया तो आपको वो मुआहदा इलहाक कबूल नहीं है, लेकिन आपको रियासत कबूल है? ये कैसे हो सकता है? उस वक्त वो हिंदू आपको महाराजा नजर नहीं आ रहा था कि वो हिंदू है, अब आप कहते हैं हरि सिंह हिंदू है? लानत है ऐसी सोच पर और ऐसे लोगों पर। मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त पीओजेके का 80% नौजवान मुझे सुनता है, मुझे फॉलो करता है, और जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, दे लुक अप टूवर्ड्स मी, वो कहते हैं यही एक आदमी है
जो हमें इस गुलामी से निजात दिलाएगा। क्यों? क्योंकि इसका प्लान सीधा है। यह डंके की चोट पर जो बात है वो कहता है, बाकियों की तरह घुमा के बात नहीं करता कि हम खुद मुख्तारी चाहते हैं और हम आजादी चाहते हैं और हम ये चाहते हैं और हम वो चाहते हैं, विदाउट एनालाइजिंग द ग्राउंड रियालिटीज दैट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कैन नेवर बिकम द सेम अगेन। क्योंकि इसमें 5 इकाइयां हैं जो नस्ली तौर पर मुख्तलिफ हैं, जैसे कश्मीरी हैं, डोगरे हैं, लद्दाख के जो आपके लद्दाखी हैं, और फिर आपके जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, और फिर हम लोग हैं। हमारे मजहब भी फर्क है, कश्मीर वाले सुन्नी मुसलमान हैं, जम्मू वाले जो है वो अक्सरियत हिंदू और सिखों की है, जो लद्दाख है वो बुद्ध मत है, बिल्कुल गिलगित बल्तिस्तान शिया है, और हम जो है वो मिक्स है। तो कैसे आप ना मजहबी बुनियादों पर यहाँ कोई तहरीक चला सकते हैं और कामयाब कर सकते हैं, और ना नस्ली बुनियादों पर चला सकते हैं। तो इसलिए ये बात समझने की जरूरत है कि कोई भी दूसरी कौम किसी एक कौम की उसमें नहीं आएगी, हुकूमत में के जेरे असर नहीं आएगी। यही वजह है कि जो 100 करोड़ आजादी की तहरीक चली वादी में, वो वादी से बाहर नहीं निकल सकी। पाकिस्तानी सुन्नी स्पॉन्सर्ड सुन्नी तहरीक मैं उसको बोलता हूँ, वो वहां से बाहर नहीं निकल सकी। और जैसे ही इकोनॉमिक क्राइसिस में पाकिस्तान फंसा और 270 हटाया, वो खत्म हो गई। चौधरी साहब, आखिर में सिर्फ ये इसी हवाले से आखिरी बात करूंगा कि चीन का इंकलाब था, मौजूदा क्यों कामयाब हुआ, उसने पूरे चीन में लॉन्ग मार्च किया। वो इसलिए कामयाब हुआ कि 98% जो आबादी है वो एक ही कौम से ताल्लुक रखती थी, खान कौम से। इसलिए उसने खान कौम को जगाया कि हमारे ऊपर 8 साम्राज्य इंपीरियलिस्ट मुल्कों का कब्जा है, इसलिए वो कौम को इकट्ठा कर सका और इतना बड़ा इंकलाब लेके आया। रूस का इंकलाब है, पढ़े लेनिन को, आपको बाकियों को पढ़े जो रूसी बोल्शेविक रेवोल्यूशन में जिन्होंने लीडरशिप का की, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि ये इंकलाब जो है ये इसमें वस्ती एशिया भी है, सेंट्रल एशिया भी आएगा, और ये भी आएगा, और यूक्रेन भी आएगा, और क्राइमिया भी आएगा। उन्होंने तो रशियन रेवोल्यूशन कहा, यानी वो रेवोल्यूशन जो रशियंस के लिए है, यानी रूसी कौम के लिए और रूस के अंदर। उसके बाद उन्होंने जब फतह हासिल की रूस में, तो फिर यहां से 1920 में कांग्रेस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट की गई बाकू में, अजरबैजान में, जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी, और उन सबको बुला के कहा गया कि ये जो हम कर रहे हैं मॉस्को में, ये कम्युनिज्म, ये बिल्कुल इस्लाम है, ये जहाद है, आप शामिल हो हमारे साथ, डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं इसके, जो उन्होंने वहां पंफलेट निकाले बाल्शिकों ने, इस्लाम जिंदाबाद, और ये तो आप अपने आप को धोखा दें, ऐसे इस तरह से नहीं होता। और फिर जब सोवियत यूनियन ने डिलीवर नहीं किया, उनको कौमी आजादी नहीं दी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ सोवियत यूनियन, तो फिर टूट गया ना सोवियत यूनियन 1990 के बाद, एक यके बाद दीगर सारी रियासतें बाहर निकल गई, आजाद हो गई। इसलिए ये चीजें समझनी चाहिए, और जो शख्स को अपनी कौम का दर्द होता है, लोगों का दर्द होता है, वो लोगों को बेवकूफ नहीं बनाता, वो लोगों को रास्ता दिखाता है, वो लोगों को कहता है कि हम भूखे मर गए यहाँ, और हमारे पास डॉक्यूमेंट है 26th of October 1947 का, एक्सेशन टू इंडिया का डॉक्यूमेंट है, वी आर नॉट पाकिस्तानी, वी आर इंडियंस। तो आज कौवा चला हंस की चाल तो अपनी भी भूल गया। आज वो साहब है कि POJK के लोग और गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो है वो इस चक्कर में कि हम मुसलमान हैं, वो अपनी जात भी भूल गए, कौम भी भूल गए, वतन भी भूल गए, सारा कुछ भूल गए। तो अगर मैं उनको झुंझोड़ता हूं और उनको उठाता हूं और कहता हूं कि मजहब के नाम पर कौम नहीं बनती, वरना बांग्लादेश अलहदा ना होता, जब मैं उनको झुंझोड़ के उठाता हूं और जगाता हूं और कहता हूं तुम डोगरे हो, तुम गिलगिती हो, तुम बल्ती हो, तुम्हारा लद्दाख से ताल्लुक है, आगे तिब्बती नस्ल से हो, इनको समझाता हूं तुम कौन सी नस्ल से हो, तो मुझे कहते हैं ये राह का एजेंट है, तो बहुत अच्छी बात है, फिर राह तो बहुत अच्छी चीजें सिखा रही है लोगों को। जी चौधरी साहब, डॉक्टर साहब, आखिर में ये जरूर जानना चाहूंगा, कितना कॉन्फिडेंट हैं आप वहां की आजादी को लेकर के? मैं जानता हूं जो मादरे वतन होता है, जो आपकी, जो आपका बर्थ प्लेस होता है, उसके उसको लेकर के हर आदमी बहुत संवेदनशील होता है, और मीरपुर आपकी जन्मभूमि, मतलब आपकी
आपके पुरखों की जन्म पुरखों की जन्म भूमि है, तो मीरपुर लौटने का भी कहीं ना कहीं मन में होगा। वो तारीख कब होगी, क्या आपको यकीन है कि आप लोग उस पूरे इलाके को आजाद कराने में कामयाब होंगे? तो साहब देखें, मैं अपने साथियों को दो चीजें कहता हूं, क्योंकि हमारी पार्टी में पार्टी वर्कर नहीं है, हमारी पार्टी के लोगों लोग साथी हैं, सब मशवरा करते हैं, सब बात करते हैं और फिर उस पर अमल होता है। मैं अपने साथियों को दो बातें कहता हूं। एक तो मैं ये कहता हूं कि रोजाना जब आपकी आंख खुलती है और आपको ये एहसास होता है कि मैं जिंदा हूं, तो शुक्र करो कि तुम जिंदा हो, लेकिन ये समझ के पूरा दिन काम करो कि शायद ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन हो। दूसरी चीज जो मैं उनको बताता हूं, उनको मैं कहता हूं कि देखो मेरी बात सुनो, हम आजादी जरूर हासिल करेंगे, कोई वजह नहीं है कि हम हासिल ना कर सकें, इसलिए कि आलमी सियासी और मुआशी हालात, इलाकाई यानी रीजनल सियासी और समाजी हालात, और खुद हमारा जो कॉलोनिस्ट है पाकिस्तान, उसके अपने हालात जो है वो इस कदर गंभीर हो चुके हैं कि आजादी जो है अब सिर्फ एक धक्का ही देना है, पके हुए फल की तरह हाथ में आ जाएगी। तो मैं उन्हें कहता हूं कि आजादी के लिए हमने लड़ना है, लड़ रहे हैं, या तो हम आजादी हासिल करेंगे या फिर हम आजादी हासिल करते करते अपनी जान दे देंगे, लेकिन हम इस रास्ते से हटेंगे नहीं, क्योंकि यही सच्चाई का रास्ता। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।